अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, कैसे आप सब। तो अभी बात करते हैं 9th क्लास की पेरिंग स्कीम की। हाँ, इससे पहले लोगों ने ये भी कहा हुआ था कुछ स्टूडेंट्स ने कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो पेरिंग स्कीम है उन सब्जेक्ट्स की भी अपलोड कर दें, तो वन बाय वन में सारी पेरिंग स्कीम ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जिस पेरिंग स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 9th क्लास की फिजिक्स की पेरिंग स्कीम है। सबसे पहले MCQs की बात करें तो 1 से 9 तक चैप्टर्स हैं, और इनके गेस कितने नंबर ऑफ MCQs कितने किस चैप्टर में से आएंगे लिखा हुआ है। चैप्टर 1 से 2 MCQs, चैप्टर 2 से 1, चैप्टर 3 से 1, चैप्टर 4 से 1, चैप्टर 5 से 2 MCQs, चैप्टर 6 से भी 1, चैप्टर 7 से 1, चैप्टर 8 से 1 और चैप्टर 9 से 2 MCQs आएंगे। तो इस तरह MCQs के डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मेरा बेटा, हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि हर तीन चैप्टर का एक सेक्शन होता है जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, अटेम्प्ट 5 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो पहले सेक्शन की बात करें तो इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 शामिल हैं। 3, 3, 2, मतलब चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 से भी 2, मतलब 3, 3, 6, 2, 8 में से आपने 5 कोई से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से पता होगी कौन से चैप्टर अच्छे से आपको आते हैं, तो आप उन्हीं के क्वेश्चन को चूज करके वही अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर 4, 5, 6 में से जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे चैप्टर 4 से 3, चैप्टर 5 से 2 और चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह चैप्टर 7, 8, 9 जो कि लास्ट सेक्शन होगा, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम 8 ही है, 5 करने आपने, तो चैप्टर 7 से 3, चैप्टर 8 से 2 और चैप्टर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह मेरा बेटा बड़ी इजीली आप अपने जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से कौन से चैप्टर के चूज करने और कौन सा चैप्टर प्रिपेयर नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप ये लोग देख सकते हैं और कौन सा प्रिपेयर होने वाला है और उसको भी प्रिपेयर कर लें। अब मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कोई से 2 करने होते हैं, और जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसके दोनों पार्ट को सॉल्व करना जरूरी होता है, लाजम होता है। तो सबसे पहले अगर मेरा बेटा मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 जो का इसका पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इन दोनों की पेयरिंग स्कीम है। चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है, चैप्टर 3 में से भी न्यूमेरिकल और थ्योरी हो सकता है, और ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ बता दी थी आप लोगों को कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं और दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक न्यूमेरिकल और दूसरा थ्योरेटिकल हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 4 और 6 शामिल हैं, इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी है और 6 में भी न्यूमेरिकल थ्योरी थी। अब जरा देख लें तो चैप्टर नंबर 1 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, इनमें से मतलब लॉन्ग नहीं आएगा। चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 8 की पेयरिंग है, इसी तरह इनमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकता है। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें, और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो MMA नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।